हेलो एवरीवन, दिस इज़ विकास एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हिंदुस्तान में और हिंदुस्तानी खाने में दोनों में ग्रीन चटनी का कितना महत्व है ये आप सभी लोग जानते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में भी मैंने एक ग्रीन चटनी डाली थी जो कि सैंडविच की ग्रीन चटनी थी, और आज जो मैं ग्रीन चटनी की रेसिपी लेके आया हूँ वो नॉर्मली आप समोसे, पकौड़े या मूँग के भजिए नॉर्मल स्नैक्स के साथ खा सकते हैं, जो कि नाम मात्र के इन्ग्रीडियंट्स रहेंगे इसमें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, ग्रीन चटनी बनाने के लिए हमें जो चीज़ों की आवश्यकता होती है वो ये सभी है, जिसमें से धनिया मैंने 1 कप लिया है। इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है, उसके बाद उसे काट लिया है। इसके अलावा 2 हरी मिर्ची का यूज़ करेंगे आप। शक्कर है जो कि 1 टेबल स्पून हमें लेना है। ये गार्लिक है, लहसुन की कलियाँ है जो 3 से 4 लहसुन की कलियाँ ली है, और नमक जो है इस पर टेस्ट आपको यूज़ करना है। और इन सभी मिश्रण को हम जो है मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हमें जो है अब 1 बाय 1 करके इन सभी चीज़ों को मिक्सर में ग्राइंड करने के लिए डालना है। ये धनिया हमने डाल दिया है, धनिया को अच्छे से वॉश कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें काफ़ी मिट्टी वगैरह रहती है। इसके बाद जो हमने 1 टेबल स्पून शक्कर लिए वो डाल देते हैं हम इसमें। लहसुन की कलियाँ लिए जिसे हमने छील लिया अच्छे से, और इसे भी डाल देते हैं इसमें। इसके बाद जो दोस्तों नमक है वो लगभग मैंने जो है 1/2 टेबल स्पून लिया है, आप इस पर टेस्ट ले सकते हैं। और मिर्ची जो है वो 2 ली है, क्योंकि ये ज़्यादा तीखी मिर्ची है, इस वजह से ये 2 ही ली है मैंने। अगर आप लाइट हरी मिर्ची रहेगी तो आप इसे 3 से 4 हरी मिर्ची ले सकते हैं। मिर्ची को जो है हमने स्टेप से कतर लिया है और उसे भी डाल देते हैं। अब इसमें जो है हमें थोड़ा सा पानी यूज़ करना है, इस स्टेप से हम डाल देंगे हल्का सा पानी और इसको मिक्सर में ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हुआ नहीं है तो इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे हम। थोड़ा सा पानी और ऐड कर देते हैं, एक बार फिर ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारी जो है ग्रीन चटनी रेडी हो चुकी है। देखिए कितना बढ़िया ग्रीन कलर आया है, और रियली दोस्तों खाने में काफ़ी टेस्टी रहेगी ये, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसे जो है हम सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं और गार्निशिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बना के ज़रूर देखिएगा, काफ़ी टेस्टी थी ये चटनी। और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये चटनी आपको कैसे लगी। वन मोर थिंग दोस्तों, ये चटनी जो है दाल बाटी के साथ भी काफ़ी अच्छा टेस्ट देगी, तो आपको ये बताना चाहूँगा, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा वो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरे कमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, टिल देन, टाटा बाय बाय, and I love you all.